कॉन्फिडेंस के साथ उतना करना जितने दूसरे ने नहीं किया उसका एक ज़्यादा। तो टफ तो हमेशा ध्यान रखिए अच्छा होता है पढ़ने वाले बच्चों के लिए। ओफो चलो सर देखूँ अगर कोई सा आप में से ये बता सके मुझे, दो तीन क्वेश्चन है। क्या हुआ भूख लग गई क्या? क्या खाओगे बताओ? कुछ नहीं खाने, रहने दो फिर मत खाओ। हाँ जी सर देखो चलो एक क्वेश्चन तो ये सीखेंगे, आपको सिखाएंगे। आपसे क्या कह रहे हैं, इन ए 40 लीटर ऑफ मिक्सचर, ठीक है भाई, इन ए 40 लीटर ऑफ मिक्सचर ए एंड बी आर, ठीक है, ए एंड बी कंपाउंड्स कह लीजिए कुछ भी कह लीजिए, आर इन द रेशियो, इन द रेशियो ऑफ 3:1। ठीक है 3:1। फाइंड द अमाउंट ऑफ बी टू बी एडेड टू मेक दिस रेशियो, टू मेक द रेशियो 2:3। देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन, सिर्फ जो डेफिनेशन आपने पढ़ी, दो हैं ए और बी, उनका रेशियो है 3:1। आपसे कह रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ बी टू बी एडेड टू मेक द रेशियो 2:3, ए और बी का रेशियो 2:3 हो जाए, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है जी। तो आपसे पूछ रहा है कि 35 लीटर ऐड करें या फिर 40 लीटर ऐड करें या फिर, ठीक है, 20 लीटर ऐड करें या फिर 30 लीटर ऐड करें, ये आपसे पूछ रहा है। कोई बता सकता है? इन्हें 40 लीटर मिक्सचर ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:1, फाइंड द अमाउंट ऑफ बी टू बी एडेड टू मेक द रेशियो 2:3। आप लोग सब ये करिए कोशिश, प्लीज़ दर बाद में सोचेंगे, आप ये कोशिश करिए कि इस 40 लीटर में ए कितना है और बी कितना है, पहले ये निकालिए। 30 और 10। बात समझ में आ रही है? आपके पास क्या है, मिक्सचर है बेटे 40 लीटर, कितने लीटर, और 40 लीटर में ए बी है और उसका रेशो दिया हुआ है कितना 3:1। तो अब आप ये निकाल लीजिए, अब आप इधर देख लीजिए जरा ध्यान से, अगर आप थोड़ा सा भी सोचते हैं कैलकुलेशन, 3:1 का मतलब 3+1 4, ठीक है भाई, 40 में से ये 3 पार्ट है, ये 1 पार्ट है, तो बगैर सोचे समझे 30 और 10 सोच सकते हो, यस और नो भाई, 30 लीटर ये 10 लीटर ये, सोच सकते नहीं सोच सकते? तो ये हो गया बेटे 30 लीटर और ये हो गया 10, ठीक है जी। अब आपसे कह रहा है कि इसमें बी मिलाना है, क्या मिलाना है, तो ए तो नहीं मिलाया, तो ए तो कितना रहा अभी भी 30 ही रहा, बी था कितना 10, 10 में कुछ और मिला दिया, कितना मिला दिया पता नहीं, बस में आ गई। जब आपने मिला दिया अब रेशो चेंज हो गया, रेशो कितना हो गया, ये निकालना था बस, बस समझ में आ गई भाई, हमारा 30:10 का रेशो है ना, तो 30:10 का रेशो है तो कितना रेशो है 3:1। आपसे कह रहा नहीं ये वाला मिलाओ, इसमें आपने कुछ भी मिलाया तो अब जो रेशो हो जाएगा वो 2:3 हो जाएगा, ये आपसे, तब आप खुद सोच लो कितना आ गया, ठीक है भाई। तो अब आप चाहोगे तो इसे यहाँ कर दो, कितना 90, इसे यहाँ कर दो कितना 20, तो 90 माइनस 20, तो x=2 आ गया बेटा, आ गया सर, ये सर नो, चलो सर एक क्वेश्चन और,
बोलो बेटे। देखो भाई मिक्सचर दिया हुआ है, उसमें मिल्क है और वाटर है, ठीक है। किस रेशो बेटा? इन द रेशो 4:3। हाँ 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 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर रेशो बिकम्स 4:5। यस। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द गिवन मिक्सचर। इन द गिवन मिक्सचर, ठीक है जी। अब इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। हम ये मान लेते हैं कि ये 4x है, ये 3x है, अब हमें कुछ तो दिया हुआ नहीं है। तो आपके पास रेशो क्या हो गया, 4x अपॉन 3x, ठीक है। तो हमारी क्वांटिटी हो जाएगी 4x और 3x। x निकालना है इसका मतलब। अब आप क्या कर रहे हो, वाटर ऐड कर रहे हो, तो वाटर कौन सा है ये, कितना लीटर। अब रेशो चेंज हो गई, रेशो क्या चेंज हो गई, तो इसका मतलब तो एक्स आ जाएगा। बात समझ में आ गई? अब पहले हमें मिक्सचर दिया हुआ था 40 लीटर, तो मिक्सचर से हमने ये निकाला, ठीक है। अब हमें मिक्सचर नहीं दिया, हम मान लिया कि ये 4x है और ये 3x है, ठीक है। इसमें आप सिर्फ वाटर ऐड कर रहे हो, तो आपका रेशो जाएगा 4x अपॉन 3x प्लस 5, बट रेशो चेंज हो गया। अब रेशो कितना हो गया, तो कितना आ जाएगा 20x, कितना 3 4 12x, 4 5 इधर आ गया 20 - 12 8x, तो x इज इक्वल्स टू 20/8, तो कितना आ गया सर, ठीक है 4 5 और 4 2, तो x कितना आ गया 5/2। तो आपसे क्या पूछ रहा था, तो 4x है, तो मिल्क कितना हो गया 4x, तो मिल्क हो जाएगा बेटे 4x, 4x का मतलब 5/2, 2.5 है ये, तो 10 लीटर, कितना, ठीक है। देखो सर एक क्वेश्चन और देखो, इससे भी आपको दो चीज़ें क्लियर होंगी। डन। आपके पास क्या कह रहा है, देखो मेन पार्ट ये होता है, प्लीज इधर, कि लैंग्वेज क्या है, क्वेश्चन क्या है। राधिका हैज टू डॉटर्स, ठीक है सर, कौन है जी, रिंकू एंड सिंधु, ठीक है सर। रेशो ऑफ देयर एजेस आर, ठीक है, इज 3:1, 3:2, ठीक है, नहीं, द रेशो ऑफ एजेस ऑफ, जी सर, अच्छा जी अभी आया सर, चाय बनवा लो उनके लिए। राधिका एंड रिंकू, ठीक है भाई, रिंकू और सिंधु का नहीं, मम्मी का और रिंकू का दिया हुआ है रेशो, कितना 3:1, इज 3:1, एंड रिंकू, ठीक है सर, एंड सिंधु, रेशो इज 8:5, 8:5। Given that Rinku is 6 years old, 6 years, ठीक है सर, Rinku is 6 years older, old नहीं दिया, older to Sindhu, जितना घुमा सकते हो घुमा दो, क्वेश्चन कहें भाई, find the ratio of their ages, ठीक है सर, after 12 years, ठीक है, तीनों की एज बतानी है, रेशो बतानी है ऑफ देयर एजेस आफ्टर 12 ईयर्स। देखो कितनी अच्छी सी लैंग्वेज लिखी हुई है, देखो सर आप ही पढ़ लो, हम तो पढ़ नहीं रहे हैं जी, थोड़ी देर के बाद तो दिमाग बंद हो जाता है ना, सर आप ही पढ़ लो, मैं
ठीक है सर, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? हमारे पास क्या है, एक मदर है, कौन है जी, राधिका, ठीक है, फिर कौन है, रिंकू, फिर कौन है, सिंधु, ठीक है। आपसे कह रहा है पता नहीं रेशियो ऑफ द एजेस राधिका एंड रिंकू इज 3:1, 3:2, ठीक है, एंड रिंकू एंड सिंधु इज 8:5, ठीक है। गिवन दैट रिंकू इज 6 ईयर ओल्डर देन सिंधु, है ना भाई, 6 ईयर ओल्डर देन सिंधु, बड़ी है। अगर सिंधु की एज x है तो ऑब्वियसली बात है x प्लस 6 है, क्यों, रिंकू इज 6 ईयर ओल्डर देन सिंधु, तो ये बस हो गया। अब आप यहीं से x निकाल सकते हो, यस और नो भाई, रेशो इससे निकालो चाहे इससे निकालो, बात तो एक ही होगी क्यों भाई। तो आपके पास क्या आ गया बेटे, 8/5 सेम होगा बेटे, x प्लस 6/x, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो 8x इज इक्वल्स टू 5x प्लस 30, तो 8 - 5 3, 3x इज इक्वल्स टू, तो x इज इक्वल्स टू 10, तो इसका मतलब क्या है, ये 10 हो गया, कितना हो गया 10, और 10 प्लस 6 16, आ गया सर समझ में, कितना हो गया 16। अब हमारे पास क्या है, ये है क्या चीज, हो गया सर। तो अब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है 3:1, अब अगर 3:1 है, ये 16 है, 1 16 है, तो 3 टाइम्स कितना होगा 48, ये बस हो गया सर, सही है ये बस। तो हमारे पास रेशो क्या आ गया, 48:16:10, यहाँ तक पहुँच गए। बट आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द रेशो ऑफ दियर एजेस आफ्टर 12 ईयर्स, कितने आफ्टर 12 ईयर्स, प्लस कर दो, तो प्लस 12 करोगे तो इसमें प्लस 12 करोगे तो 28, और इसमें करोगे तो, ठीक है सर, 2 से शायद डिवाइड हो रहा है, अगर रेशो सेम से डिवाइड हो तो कर दो, तो 30 14 11, ये आंसर। तो कहीं ना कहीं से आपको लिंक करना है, लैंग्वेज बड़ी हो सकती है, उससे डरना नहीं है कि भाई हमें क्या दिया हुआ, उसको यहाँ सिंबल्स में करो कि इनका रेशो 3:1 है, इनका रेशो 8:5 है, ये 6 ईयर ओल्ड है, तो इसका मतलब अगर ये x है तो ये एक वैल्यू आ गई, जब एक वैल्यू आ गई तो इससे ये कनेक्टेड था, तो इससे फिर ये आ गए, क्वेश्चन यहाँ भी पूरा नहीं हुआ, 12 ईयर्स हैंस, तो प्लस करोगे, एगो कहता तो माइनस करोगे, तो ये क्वेश्चन, ठीक है सर, मुश्किल क्वेश्चन है। अब इनमें कौन सा क्वेश्चन ऐसा था कि सर रेशो पे तो था बट लेकिन टफ बहुत था कोई क्वेश्चन, आप भी ढूंढते हो ना, बड़े अच्छे अच्छे से क्वेश्चन लाते हो ढूंढ ढूंढ के कि सर दबंग स्टाइल में कुश्ती करेंगे इससे, कोई जरूरत नहीं है सर, समझ में आ रहा है। तो प्लीज़ जब आप आइडेंटिफाई करो ना बेटे कहीं से भी कोई भी वर्कशीट, तो आपको लेवल ध्यान रखना, ठीक है जी, IIT IIM लेवल के क्वेश्चंस नहीं है, वहाँ वाकई में फिर दिमाग की दही करनी पड़ती है, IIT IIM की बात करें वहाँ चाहिए वो लेवल, बट यहाँ अगर हम बात करें, ठीक है जी, तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, आपके पास शीट है उसे एक बार सॉल्व, कल भी मैं एक क्लास लूँगा तो कल डिस्कस करेंगे आपसे क्वेश्चंस, पढ़ के आइएगा प्लीज़, वही करेंगे कल आपसे क्वेश्चन ही डिस्कस